अब इस सवाल में क्या है, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल ऑफ मटेरियल एक्स एंड, यहां पे मिसिंग हो गया, एंड वाई का होगा, ठीक है। यानी हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम लेवल भी निकालना है और मिनिमम लेवल भी निकालना है और एक्स और वाई दोनों का निकालना है। तो सर एक्स और वाई दोनों है, यानी ये सवाल देखा जाए तो कितने सवाल हो गए, दो हो गए। पहले एक्स को आप एक सवाल के तरीके से सोचिए, फिर वाई को एक सवाल के तरीके से सोचिए और फिर इसका आंसर आएगा। तो मैं, हालांकि मैंने पहले ही बोला कि मैं अब डाउट वगैरह तो इतना छोड़ने वाला हूं नहीं, इसलिए मैं सारे सारे क्वेश्चन खुद ही करने में बिलीव कर रहा हूं ताकि आपके डाउट ना बचे, और जिसने प्रैक्टिस किया होगा उनको पता चल गया होगा डाउट है या नहीं। तो सबसे पहले मैं एक्स की बात कर लेता हूं। एक्स में मिनिमम लेवल, सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या बनाओगे, आर ओ एल माइनस में मिनिमम यूज इनटू में मिनिमम टाइम। अब टाइम को ना कई बार लीड टाइम भी बोल देते हैं शब्द, कई बार ना पेपर मुश्किल अगर एग्जामिनर को बनाना होता है ना तो वो ढूंढते हैं इसके कितने सारे टर्म्स हो सकते हैं। अच्छा सॉरी, एवरेज होगा, एवरेज, एवरेज मैंने मिनिमम ले लिया, एवरेज। तो कई बार एग्जामिनर ना, अगर सवाल मुश्किल क्यों हो जाता है, वो इसमें टर्मिनोलॉजी ऐसे यूज कर लेंगे जो पहले आपने कभी सुना नहीं। तो इसलिए कई बार मैं बोलता जाऊंगा बीच में, तो ध्यान से सुनिएगा। एवरेज, एवरेज यूज होता है और इनटू में होता है एवरेज टाइम, और इस टाइम को कई बार बोल देते हैं लीड टाइम। तो बच्चा परेशान भी हो सकता है, सर लीड टाइम क्या आ गया, ये कोई नया टाइमिंग के हिसाब से तो नहीं है, तो इसी की बात कर रहा है वो। सर सवाल में आर ओ एल देखा जाए दे रखा है, आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखा है, लेकिन आर ओ एल नहीं देखा। तो सबसे पहले हमें तो आर ओ एल फाइंड करना पड़ेगा। आर ओ एल दैट इज अ मैक्सिमम इनटू में मैक्सिमम यूज टाइम, और मैक्सिमम देखा जाए तो इसका कितना है मैक्सिमम 200, और टाइम देखा जाए तो 18, ठीक है ना। कितने हो गए बताइए, 225 इंटू 18 4050। और सेम अब आ जाते हैं आगे कंटिन्यू, 4050 इस फॉर्मूले पे ही आ जाते हैं हम, माइनस में एवरेज। अब देखो एवरेज और नॉर्मल, प्रायोरिटी किसको दोगे, नॉर्मल यूसेज पर वीक, तो हमारा नॉर्मल प्रायोरिटी पे रहेगा 150। अब यहां की, हालांकि आप जब यहां ऑब्जर्व करोगे ना तो नॉर्मल और एवरेज दोनों सेम ही आ रहा है, क्योंकि एवरेज कैसे निकालोगे, 225 प्लस में 75 डिवाइड टू, तो वो भी 150 ही आना है। तो इसमें, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में फर्क आ गया था, तो हमने किसको तवज्जो दिया, किसको प्रायोरिटी दिया, वन वाले को, ठीक है। तो 150 इंटू में 15, तो कितने हो गए, सब कुछ काट पीट के 1800 इसका आंसर हो गया। तो हमने एक का मिनिमम लेवल निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं हम एक्स का ही मैक्सिमम लेवल। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, यूज टू आपको याद हो गया हो, आर ओ एल जो कि था 4050, ईओ क्यू सवाल में गिवन है 900, माइनस में मिनिमम इंटू मिनिमम, मिनिमम दैट इज 75 इंटू में 12। तो 4050 ही आ गया ये, है ना, 900 से 900 कट गया हमारा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सेम सवाल, एकदम सेम सवाल आपको वाई के लिए भी करना है, तो ये रहेगा होमवर्क में, इसका कोई डाउट निकलना नहीं चाहिए आपका, पहले मैं बता रहा हूं, क्योंकि सेम है ये, कहीं इसमें भी डाउट निकाल के लिया हो आप, ठीक है, ये होमवर्क। चलिए